नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ठल। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने शुक्रवार को इम्फाल स्थित केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान के हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। इम्फाल में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान के छात्रों को सुविधा देने के मकसद से शुक्रवार को संस्थान के नव निर्मित हॉस्टल और एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय रसायन मंत्री अनंत कुमार और राज्य के मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने मिलकर इसका उद्घाटन किया था। बताया जा रहा है कि करीब 13 करोड़ की लागत से इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसमें हॉस्टल के लिए 9 करोड़ और टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए 4 करोड़ की राशि केंद्र द्वारा दी गई है। हॉस्टल के उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हॉस्टल की सुविधा से छात्रों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने सीपेट द्वारा राज्य में प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने तथा बेरोजगार युवाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए संस्थान की सराहना की। वहीं इस अवसर पर अनंत कुमार ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य में प्लास्टिक पार्क शुरू करने में पूरा सहयोग करेगी। वहीं उन्होंने इसके लिए राज्य सरकार से 500 एकड़ भूमि देने का आग्रह किया है। वहीं राज्य के सीएम इबोबी सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीपेट के कार्यों की सराहना की और इसके कार्यक्रमों की जानकारी दी। Oriented and industry-specific academic programs leading to diploma in plastic technology, plastic mount technology, plastic mount design with CAD and CAM, and plastic processing testing, which are approved by the ICTE, and placement assistance is provided. Ladies and gentlemen, it is heartening to inform you that 820 trainees have been benefited, and many of them were assisted in securing their placement. दूसरी तरफ उर्वरक मंत्री के मोटिवेशन के बाद छात्रों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। यहाँ पर जो आए हैं मिनिस्टर सर, तो उन्होंने हम लोगों को एक सम्मान दिया। हम लोगों ने उत्सुक किया कि आगे सीपेट और लोगों को कराइए, प्रोवाइड कराइए जानकारी इसकी कि किस तरीके से सीपेट होता है, और लोगों को जागरूक करिए इसके बारे में। और जो 43,000 बताया है उन लोगों ने कि अभी प्रेजेंट टाइम में स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया रहा है सीपेट, तो इसकी डिस्टेंस बढ़ाने के लिए ये 1 लाख बोला है। तो ये इंडिया को ज़रूरत है हम लोगों की, तो हम लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि एक दूसरे को अगर जागरूक करेंगे तो इंडिया डेवलप हो जाएगा। Extending this hostel and academic block for the CPET Imphal, I would like to give my gratitude to the Union Minister and the Chief Minister of Manipur, as well as the faculties of CPET Imphal. उद्घाटन समारोह में मणिपुर के वाणिज्य मंत्री गोविंद दास, सांसद थोंगचो मीनिया समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि सीपेट 1987 से मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम चला रहा है। अरुणाचल प्रदेश में वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी जन आंदोलन कमेटी ने मोर्चा खोल दिया है। कमेटी ने 19 जून को 12 घंटे का कैपिटल बंद बुलाया है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने वित्तीय संकट से घिरी राज्य सरकार के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोल करने का ऐलान किया है। वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर बीजेपी जन आंदोलन कमेटी ने 19 जून को 12 घंटे के कैपिटल बंद का आह्वान किया है, यानी शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पूरा कैपिटल बंद रहेगा। जन आंदोलन कमेटी, यस्टरडे वी हैव डिसाइडेड नो मोर मीटिंग, आई मीन नो मोर लाइक डरना, इतना नहीं करेगा हम लोग। अभी विल टेक सम सीरियस स्टेप। सो ऑन 19th ऑफ दिस मंथ वी आर गोइंग टू कॉल 12 आवर्स कैपिटल ब्लैंकेट बैन करेगा हम लोग। नो व्हीकल विल प्ले, ऑल गवर्नमेंट मशीनरीज इंक्लूडिंग ऑफिस, बाजार, एवरीथिंग विल बी remain closed, exempted as it is in the purview. We exempted all, like what is called milk ban jayega, medical jo exempted hai, paramilitary jo aapka purview mein aata hai, hum log same hai. जन आंदोलन कमेटी के चेयरमैन तामे फासांग ने बताया कि कमेटी नए राज्यपाल जेपी राजखोवा द्वारा सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने से नाराज है, जिसके कारण अब कमेटी ने ये फैसला लिया है। The last memorandum we submitted
to His Excellency Governor of Arunachal Pradesh. 10 days time we have given ultimatum to His Excellency. That expired on 14th of this month, that is yesterday. Demand is same. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तामे फासांग ने साफ कर दिया, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती आंदोलन जारी रहेगा। कॉन्फ्रेंस में फासांग ने एक बार फिर अपनी मांगों को दोहराया। इनकी मुख्य मांग है कि राज्य के सीएम नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। सो आवर डिमांड इज फिक्स एज इट वाज इम्पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड इज नॉन इंक्रीज ऑफ मार्केट बोरोइंग लिमिट। And then third, my friends, as you people also aware of that, CIC and CVC, it was vacant, Central Committee was vacant long back. So just a month back, Government of India has already constituted national level. In support to our demand number three, require immediate investigation in government departments of Arunachal Pradesh. अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया ने सोमवार को दोईमुख सर्कल के दो गांवों में बन रहे बांधों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अरुणाचल विधानसभा के अध्यक्ष नाबम रेबिया सोमवार को दोईमुख सर्कल स्थित बोडा और अपर जुमी गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने गांव में बन रहे हैंगिंग ब्रिज और कलवर्ट ब्रिज के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। ये दोनों ब्रिज दोईमुख को लोअर सुबनसिरी से जोड़ेंगे। निरीक्षण के दौरान रेबिया के साथ पंचायत के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान रेबिया ने निर्माण एजेंसी से अपील की कि वो जल्द से जल्द पुल का काम खत्म करें, ताकि लोग इस पुल का लाभ उठा सके। बता दें कि इस पुल के बनने से प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, साथ ही कम वक्त में लोग अपनी मंजिल तक पहुँच पाएंगे। ईटानगर के बैंकेट हॉल में रविवार को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, जहां इस दिन को अरुणाचल विवेकानंद युवा शक्ति के पूर्व सेक्रेटरी लेनिन तुंगही को समर्पित किया गया। ईटानगर में रविवार को अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और विवेकानंद युवा शक्ति के सहयोग से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था। इस अवसर पर अरुणाचल विवेकानंद युवा शक्ति के पूर्व सेक्रेटरी लेनिन तुंगही को श्रद्धांजलि स्वरूप मोमेंटो से सम्मानित किया गया। लेनिन की मां ने उनका मोमेंटो स्वीकार किया था। बता दें कि लेनिन तुंगही ने ही प्रदेश में लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित किया था। बैंकेट हॉल में आयोजित किए गए ब्लड डोनेशन कैंप में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और युवा स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस मौके पर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर नाबम बुद्ध ने लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि प्रदेश में हर साल केवल 5,000 यूनिट ही रक्तदान किया जाता है, जबकि 15,000 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश ताचू ने कहा कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए राज्य सरकार आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती रहेगी। Focuses on thanking blood donors and encouraging more and more healthy individuals to donate voluntarily and regularly with the slogan Give freely, give often, blood donation matters. To commemorate the selfless service of voluntary blood donors, a month-long activity shall be carried out in the state to promote voluntary blood donation at various levels. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।